तो दोस्तों आगे मैं अपने एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, आज के इस वीडियो में आपको स्पीकी एप्लीकेशन के बारे में जानने के लिए मिलेगा। क्या करता है ये एप्लीकेशन, डेमो देख लीजिए। हम अपने एक व्हाट्सएप से दूसरे व्हाट्सएप पर एक नोटिफिकेशन भेजेंगे, तो नोटिफिकेशन जैसे ही जाएगा तो देखिए नोटिफिकेशन किस प्रकार रीड करेगा। मैसेज सेंड किया हमने, दूसरे व्हाट्सएप पर नोटिफिकेशन आएगा। जीतू राज नोटिफिकेशन फ्रॉम व्हाट्सएप, जीतू राज हाय। देखिए हमने व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन भेजा हाय, तो इसने काफ़ी अच्छे से पढ़ लिया, व्हाट्सएप पे ही नोटिफिकेशन आया और नोटिफिकेशन आया है हाय, और उससे पहले इसने नाम लिया हे जीतू राज, है ना। तो आप ऐसे किस प्रकार कर पाओगे, यही आज के वीडियो में हमने बताया है। तो जो लोग स्पीकी एप्लीकेशन के बारे में जानते हैं वो लोग वीडियो को स्किप कर सकते हैं। आप इसमें साइलेंट आवर्स वगैरह भी लगा सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं इस एप्लीकेशन में। तो जो लोग नहीं जानते वीडियो में आगे बने रहे। टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप अवेलेबल है, जाइए ग्रुप में जुड़ जाइए। फीमेल्स के लिए भी अलग से ग्रुप बनाए गए हैं, तो वो भी वहाँ पर जाके जुड़ सकते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त जीतू राज, चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। और हाँ, वीडियो ज़रूर सभी के साथ शेयर कर देना। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, क्योंकि यूनिक वीडियोस की लिस्ट पड़ी है। और हाँ, इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना, और आपके अगर कुछ सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना। एप्लीकेशन का नाम है स्पीकी, तो एप्लीकेशन में चलेंगे हम लोग और देख लेंगे कैसा है इसका इंटरफेस। काफी इजी इंटरफेस है, कुछ सेटिंग ही आपको करनी होती है, तो इंटरफेस देख लेते हैं। अब जैसे आप इस एप्लीकेशन को ओपन करते हो, यहाँ पर पहला ऑप्शन है, देखिए ऑडियो स्ट्रीम स्पीक आउटपुट अनचेक्ड अनचेक्ड जीरो एनेबल स्पीकी लेट स्पीकी स्पीक योर नोटिफिकेशंस। ठीक है, अनेबल स्पीकी ये ऑप्शन है, तो हम लोग इसको अनेबल करेंगे। वन सर्विस स्पीकी इज ऑन। ठीक है, अब ये ऑन हो गया है, इसको आपको सिंपली ऑन कर लेना है। ठीक है, और कई बार ये एक्सेसिबिलिटी में से भी ऑन करवाता है, अगर आपके पास एक्सेसिबिलिटी में से ऑन करवाएगा तो आप वहाँ से इसको ऑन कर लेना। यहाँ पर देखिए नॉट चेक वन बता रहा है, लेकिन ये ऑन है, यहाँ पर वन बताना चाहिए। अगर आप इसको चेक करोगे तो भी नॉट चेक ही बताएगा। ये देखिए अभी भी नॉट चेक है, लेकिन ये जीरो बता रहा है, इसका मतलब ये ऑफ है। लेकिन जब इसको ऑन करोगे, ये देखिए है ना, स्पीकी इज ऑन, ऐसा ये यहाँ पर हो गया। अब हम आगे स्वाइप करेंगे। ठीक है, स्क्रीन ऑन स्पीक ऑल्सो विद स्क्रीन इज ऑन, तो ये मुझे नहीं चाहिए। मतलब स्क्रीन ऑन होते समय जब मैं स्क्रीन पर कुछ कर रहा हूँ तो उस समय पर इसने नोटिफाई नहीं करना चाहिए, तो मैं इसको नॉट चेक रखूँगा। ठीक है, नॉट चेक कर देते हैं इसको। ठीक है, स्पीक आउटपुट यानी कि जब किसी आउटपुट से कनेक्टेड है तभी ये स्पीक करना चाहिए। ऑडियो स्ट्रीम म्यूजिक, ठीक है, तो ये भी हमें नहीं चाहिए। यहाँ पर हम आगे देखते हैं, ऑडियो स्ट्रीम म्यूजिक है। स्टॉप म्यूजिक, स्टॉप एंड रिज्यूम बैकग्राउंड ऑडियो स्ट्रीम म्यूजिक, स्टॉप म्यूजिक, स्टॉप एंड रिज्यूम बैकग्राउंड म्यूजिक ऑन स्पीक, है ना। आप यहाँ से स्टॉप और रिज्यूम बैकग्राउंड म्यूजिक भी कर सकते हो इसकी मदद से, है ना। तो ये फिलहाल हमें नहीं चाहिए, हम यहाँ पर इसको ऐसे रहने देते हैं। Bluetooth devices. Select on which Bluetooth devices to speak. अब आपको कौन से डिवाइस के साथ इसको ब्लूटूथ में कनेक्ट करना है, तो वो भी आप देख सकते हो, ताकि वो ब्लूटूथ में ही जो है अनाउंस करे नोटिफिकेशन। आपकी जो भी अनाउंस करेगा वो ब्लूटूथ में ही अनाउंस करेगा, लेकिन ऐसा नहीं चाहिए हमें। ये बाय डिफॉल्ट सब जगह पे अनाउंस करते थे, इसको सिलेक्ट नहीं करेंगे। Silent hours. Disable speaking on scheduled hours. अब ये बहुत ही बढ़िया फीचर है साइलेंट आवर, तो इसको हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे, है ना। इसमें अब हमें क्या करना है कि 11 से 6 का जो टाइमिंग है वो सिलेक्ट कर लेंगे हम लोग। यहाँ पे देखिए इसमें चलेंगे नो स्केड्यूल, यहाँ पर ऐड स्केड्यूल करेंगे, यहाँ पर डेज सिलेक्ट करना है आपको, कैपिटल एम कैपिटल एस कैपिटल टी कैपिटल डबल कैपिटल टी, सारे डेज पर चेक करना है आपको। कैपिटल एस एस स्टार्ट टाइम, ठीक है, 10:00 डिसेबल्ड, स्टार्ट टाइम 10:00, एंड टाइम 18:00 डिसेबल्ड, 18:00 डिसेबल है। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर टाइमिंग एडजस्ट कर सकते हो। मोस्ट ऑफ यहाँ पर
23 को स्टार्ट करेंगे और एंड जो है 6:00 को स्टार्ट करते हैं, यानी कि नाइट में ये ऑफ हो जाए और सुबह ये ऑन हो जाए। ठीक है, तो ये करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर सेव सेव पे क्लिक कर देंगे तो ये सेव हो जाएगा। ठीक है, जैसे सेव करूँगी तो सेव हो जाएगा। यहाँ पर चेक बॉक्स लगाना है फिर आपको, और ऐड चेक बॉक्स पे जैसे लगाएंगे बैक कर लेंगे। ठीक है, याद रहे यहाँ पर जब आप चेक बॉक्स लगाते हो तो चेक नहीं बोलेगा, यहाँ पे वन ऐसा बोलेगा। बैक करेंगे हम यहाँ से। Silent hours. Disable speaking notifications. अब यहाँ पर नोटिफिकेशन का Select ऑप्शन है। apps. Select apps to speak their notifications. अब किस एप्लीकेशन में आपको इसकी नोटिफिकेशन चाहिए, तो मैं चाहूँगा सिर्फ व्हाट्सएप और टेलीग्राम की ही मुझे ये नोटिफिकेशन अनाउंस करके बताए, है ना। मतलब वहाँ पर जो है अपना नाम, मेरा नाम भी लेगा ये और अनाउंस भी करेगा। जब मेरा स्क्रीन ऑफ होगा सिर्फ वही नोटिफिकेशन लेगा जो मुझे ज़रूरी है ना। ग्रुप्स नोटिफिकेशन अगर मुझे नहीं चाहिए तो आप उस पर्टिकुलर ऐप की ग्रुप नोटिफिकेशन बंद करके रख सकते हो, है ना। तो यहाँ से पर्टिकुलर ऐप को सिलेक्ट करना है, आपको सारे ऐप की लिस्ट आ जाएगी, ये देखिए, है ना। सिलेक्ट ऐप, ये सिंपल है, बस उस ऐप पे आपको चेकबॉक्स लगाना है, बस वो ऐप सिलेक्ट हो जाएगा। अब ये जो है जीतूराज नोटिफिकेशन फ्रॉम, अब ये जो है ये इसलिए है कि आप जो है अपने यहाँ पर, जैसे मैंने अभी कोई मैसेज भेजा तो मुझे जब मैसेज आएगा तो पहले ये अनाउंस करेगा हे जीतूराज नोटिफिकेशन फ्रॉम, अब उसके आगे वो मैसेज रीड करेगा। अगर आपको ये चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हो। अभी मैंने यहाँ पे हे जीतूराज रखा है, तो आप अपना नाम भी रख सकते हो, कुछ और रख सकते हो, अपने हिसाब से जो आपको रखना है वो रख सकते हो। All apps name, speak apps name for unselected apps notifications. एप्लीकेशन का नाम लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए नोटिफिकेशन के समय इसने, तो ये भी वो बताएगा। अगर आपको चेक करना है तो आप यहाँ से चेक कर Check. सकते हो। ठीक है, Replace images. Check if your TTS doesn't support images. English only. इमेजेस वगैरह, इमोजीज वगैरह आप यहाँ पर सेट कर सकते हो, Check. Limit words. Limit the number of words to read. है ना। लिमिट नंबर के वर्ड ही रीड करना चाहिए, कितने वर्ड आपको रीड करवाने हैं वो आप सेट कर सकते हो, या फिर पूरा का पूरा नोटिफिकेशन आपका रीड कर देगा। Text system settings. Text to speech. अब यहाँ पर Text to speech settings. टेक्स्ट टू स्पीच सेटिंग में जाओगे आप, टेक्स्ट टू स्पीच सेटिंग में जाकर आप जो है इसकी डिफ़ॉल्ट जो टेक्स्ट टू स्पीच है वो चेंज कर सकते हो। इससे डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट टू स्पीच चेंज हो जाती है, लेकिन हमने इसके डेवलपर से कहा है कि ये जो है यहाँ पर आपको जो एप्लीकेशन की जो टेक्स्ट टू स्पीच है वही सिर्फ चेंज हो, डिफ़ॉल्ट चेंज ना हो। तो आने वाले समय में अपडेट आप लोगों को मिल जाएगा, हो सकता है जब तक आप इस वीडियो को देख रहे हो और एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर रहे हो तब तक शायद ये हो जाए, है ना। तो यही इसका पूरा सा पूरा का पूरा सेटअप है ना। अब हम लोग एक डेमो देखेंगे, हम इसकी स्क्रीन को ऑफ करेंगे स्क्रीन ऑफ और हम अपने दूसरे मोबाइल से एक व्हाट्सएप को, मतलब व्हाट्सएप का मैसेज भेजेंगे। ठीक है, एक्सेसिबिलिटी S10 लॉन्चर शीट्स एक्सेसिबिलिटी वाशिंगटन व्हाट्सएप को हमने जिदुराज ये अपनी चैट व्हाट्सएप खोली। बिजनेस मैसेज अब यहाँ से एक मैसेज टाइप करके भेजेंगे, शोइंग बोर्ड कैपिटल N कैपिटल J capital Y, capital H, 5, how, WhatsApp business, editing, H, ठीक है, अच्छी लिखते हैं, attach send, send कर देते हैं, navigate up, showing English, HT, yesterday, HTTPS, /me.google, WhatsApp, Jidraj, H, है ना। ये देखिए आप लोगों ने सुना है जिदराज नोटिफिकेशन फ्रॉम, ऐसा इसने बोला, फिर एक बार भेजते देखिए, board, capital H, capital H, WhatsApp business editing H attack send navigate up showing in editing hey Jidraj notification from WhatsApp Jidraj H, है ना। इसने नाम भी बता दिया, क्या मैसेज है वो भी बता दिया, और हे जीतूराज ये भी बोल दिया। तो ये दूसरे फ़ोन में नोटिफिकेशन बज रहा था जिस तरह से आपने इंट्रो में सुना, उसी तरह से ये यहाँ पर आपको अनाउंस करेगा। और जिस एप्लीकेशन में आपको नोटिफिकेशन चाहिए उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में ये नोटिफिकेशन जो है आपको रीड करके बता देगा। तो उम्मीद करता हूँ ये एप्लीकेशन आपको पसंद आया होगा, इस वीडियो को ज़रूर आप सभी के साथ शेयर करूँगे, और वीडियो में अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करके ज़रूर जाना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना, है ना। तो ऐसे बहुत सारे नोटिफिकेशन रीड करता रहता है, तो
चलिए मिलते हैं फिर किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।